फटाफट अंदाज में खबरों का रुख कर लेते हैं। हापुड़ में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री में बॉयलर के फटने से अब तक 13 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 मजदूर गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग और मेरठ भेजा गया है, जहां पर चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। फैक्ट्री में बिजली का सामान बनाने के नाम पर लाइसेंस लिया गया था, लेकिन अंदर स्पोर्ट्स गन बनाए जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री में कारतूस जैसी चीजें बरामद हुई हैं, साथ ही कारतूस के लिए बारूद होने का भी शक जताया जा रहा है। हापुड़ में हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट को देखा जा सकता है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि फैक्ट्री में प्लास्टिक की बंदूक और उसमें लगाए जाने वाला बारूद बनाया जाता था। बारूद में धमाका होने से मजदूर बुरी तरीके से झुलस गए हैं। हापुड़ हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हापुड़ में हुआ हादसा हृदय विदारक है, इसमें जिन लोगों की जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री में मजदूरों की मौत पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जाए। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर धरपकड़ तेज कर दी है। पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जुटी हुई हैं। अलग अलग थानों में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने अब तक 350 वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कानपुर हिंसा को लेकर मुख्य आरोपी जफर हाशमी की पीएफआई लिंक की छानबीन के लिए एसआईटी बनाई गई है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने एसआईटी गठित करने की जानकारी दी। जफर के पास से पीएफआई से जुड़ी संस्थाओं के फंडिंग दस्तावेज और बैंक खातों समेत अन्य सुराग भी जांचे जा रहे हैं। पुलिस हिंसा के सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। गैंगस्टर और एनएसए भी आरोपियों पर लगेगा। पुलिस अफसरों का कहना है कि आरोपियों की संपत्ति चिन्हित की जाएगी। जो भी अवैध संपत्ति मिलेगी और जो संपत्ति अपराध के जरिए बनाई गई होगी उस पर बुलडोजर जरूर चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्मदिन और विश्व पर्यावरण के मौके पर गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित गौशाला में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही गोरखपुर जिले की 1294 ग्राम पंचायतों और प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में पौधारोपण की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने उनको बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी के गतिशील मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई। आपके कुशल नेतृत्व में राज्य ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है। लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन के मौके पर रामनगरी अयोध्या में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सरयू तट स्थित रामकथा पार्क और आसपास के लोगों के साथ मुख्यमंत्री का जन्मोत्सव मनाया। सीएम योगी के जन्मदिन पर सांसद ब्रजभूषण सिंह ने रामलला को 50 क्विंटल के लड्डुओं का भोग लगाया है। उन्होंने सीएम के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करी। इस मौके पर आसपास के क्षेत्र के कई विधायक भी मौजूद रहे। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के प्रमुख वादी महेंद्र प्रताप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। महेंद्र प्रताप ने आरोप लगाया है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी के बाद आगरा के मंडोला थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया गया। महेंद्र प्रताप ने कहा कि हम श्रीकृष्ण जन्मभूमि का केस देख रहे हैं, उसी के चलते हमको कुछ लोगों ने धमकी दी है। मेरी तहरीर पर कोतवाल की ओर से आश्वासन मिला है, उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर और आजमगढ़ सीट पर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने रामपुर सीट पर घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पार्टी ने भोजपुरी स्टार और पूर्व प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सभी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए शाह आलम उर्फ गुड्डू जवाली को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मायावती ने रामपुर से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया। आगरा के नगरिया क्षेत्र में पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। दोनों विधायक भाजपा जिलाध्यक्ष और महिलाओं के साथ
शिकायत लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। डीएम ने दोनों विधायकों और महिलाओं की शिकायत सुनी। शिकायत सुनने के बाद डीएम ने पूरे घटनाक्रम का जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उदयपुर में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस के दौरान नायब तहसीलदार ने महिला फरियादियों के साथ अभद्रता करी। भाजपा और अपना दल विधायक के सामने महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। दोनों विधायकों ने इस पूरी घटनाक्रम का विरोध किया। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस छोड़कर सभागार से बाहर हो गए। आगरा के एसटीएफ और थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों को पकड़कर बड़ा खुलासा किया है। चोरों के पास से करीबन 85 लाख रुपए की 220 बोरे सुपारी के बरामद हुए हैं। वारदात को अंजाम देने में गैंग के 7 लोग शामिल थे। अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए वहीं 4 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। आगरा में फतेहाबाद के जंगल में बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। वहीं पुलिस प्रशासन जानबूझकर अनजान बन रहा है। ग्रामीणों के कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन ने जुआरियों पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस ने पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड हयाज जफर हाशमी और उसके 3 साथियों को लखनऊ के हजरतगंज से गिरफ्तार कर लिया। इन सभी के पास से 6 मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में मंदिर के अंदर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और छानबीन की जा रही है। लखनऊ के गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ ने 1.5 करोड़ के गांजे के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें ये गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर तस्करी किया करता था। अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज के गौशाला में 100 से ज्यादा गाय हैं, परंतु ये संख्या हर रोज घट रही है। गौशाला में मौजूद लोगों ने बताया कि जानवरों के पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। भीषण गर्मी में गायों को पानी न मिलना और उनकी मौत हो रही है। यहाँ जानवरों की देखरेख का स्तर भी बहुत घटिया है। जानवर हर रोज मर रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं। के सदर कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े 2 छात्रों को डीसीएम ने रौंद दिया। एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी गंभीर तौर पर घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश देखा जा रहा है। लखनऊ में पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर लंग्स केयर फाउंडेशन की ओर से बड़े इमामबाड़े पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में इमामबाड़ा आए हुए तमाम पर्यटकों और राहगीरों से पेंटिंग कराई गई, साथ ही लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील भी की गई। भदोही में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई दर्जन वाहनों को ऑनलाइन चालान काटा गया है। यातायात प्रभारी शशिकांत के नेतृत्व में राजमार्ग पर अभियान चलाकर वाहनों की जांच पड़ताल की गई है। यातायात नियमों की अनदेखी और सीट बेल्ट का उपयोग न करने वाले दर्जनों की तादाद में 4 पहिया वाहनों का चालान कटा है। इस दौरान यातायात प्रभारी के साथ ही पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। चार धाम यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने खास पहल शुरू कर दी है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान हो रहे यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में खास पंडाल लगाकर चार धाम यात्रा पंजीकरण केंद्र बनाया। 1,000 से ज्यादा लोग एक साथ पंजीकरण कराने के साथ ही विश्राम भी कर सकते हैं। पंडाल में कूलर और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है, जिससे यात्री आसानी से लाइन में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हरिद्वार के बुक्कनपुर गांव में स्कॉर्पियो ने भैंसों के झुंड को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 6 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई और कई भैंसे रात भर सड़क किनारे पड़े रहे, तड़पते रहे। हादसे में 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पर्यावरण दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर फलदार पौधे का वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि घर में होने वाले किसी भी शुभ पर्व पर हम पौधारोपण से उस कार्य की शुरुआत करें, ताकि हमारे व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण जुड़ सके। कई ट्रेनों के रद्द होने से 5वें दिन भी हरिद्वार में यात्री परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि रेल पुलों की मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते हरिद्वार आने और यहाँ से जाने वाले कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रुड़की के गणेशपुर क्षेत्र में पत्रकार पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में पार्षद समेत 7 नामजद और 8 से 10 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस केस दर्ज करने के बाद आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है।
रामनगर के तहसील परिसर में डीएम ने शिविर लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। समस्याएं सुनने के बाद डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं। तो वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने एक पीडीओ के सस्पेंशन का भी आदेश दिया और अनाथ बच्चों के लिए तत्काल राशन की व्यवस्था करवाई। बागेश्वर में मुनाफा कमाने के लिए सरयू नदी को बेचने का धंधा शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन बागेश्वर के रिवर ट्रेंडिंग के नाम पर रेत और पत्थरों के उठान के लिए स्थानीय ठेकेदारों को सरयू नदी को उजाड़ने की खुली आजादी दे रहा है। हरिद्वार के लक्सर में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाल के हथियारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिख समाज के लोगों ने लक्सर में जलती मोमबत्तियों के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान पंजाब की भगवत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। कानपुर के बेकनगंज क्षेत्र में पुलिस के मुखबिरों ने खुलेआम दुकान में घुसकर गुंडई की है। तो वहीं मुखबिरों की गुंडई दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान के सामने बाइक खड़ी करने से मना करने पर मारपीट की गई है, जिसके बाद दुकानदार ने मुखबिरों समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। रुद्रप्रयाग के खतरे में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। 14 सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है। अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा अधिकृत सदस्यों ने भी मोर्चा खोला। इन सदस्यों के साथ अन्य 10 और सदस्यों ने डीएम से मुलाकात की और जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपकर मामले की कार्रवाई की बात की है। लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र में शादी समारोह में दहेज को लेकर जमकर बवाल हुआ, जहां पर चार पहिया वाहन न मिलने पर दूल्हे की तरफ से लड़की वालों को जमकर मारा पीटा गया। मारपीट में चार लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लखनऊ के शहीद पथ पर डंपर ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की झुलस कर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। लखीमपुर खीरी में जिला कारागार में कैदी की मौत के बाद परिजनों ने एसपी कार्यालय और जिला अस्पताल की मोर्चरी का घेराव करते हुए जमकर हंगामा काटा। तो वहीं मृतक के भाई अरविंद कुमार और पत्नी रेखा देवी ने आरोप लगाया है कि गला थाना प्रभारी ने धर्मेंद्र को छोड़ने के बदले 40,000 रुपए की मांग की। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में सांड अचानक से कुएं में गिर गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने कुएं से रेस्क्यू करते हुए सांड को बाहर निकालने में जुट गई है। घंटों रेस्क्यू के बाद सांड को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। हरदोई के जिला कारागार में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ओर से कारागार के पुरुष और महिला बंदियों की मदद से पौधारोपण किया गया है। जेलर संजय सिंह ने बताया कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत 75 पेड़ लगाए गए हैं। एटा में चेयरमैन राकेश गांधी के चंद्रस्वामी स्कूल पर बुलडोजर गर्जा। बताया जा रहा है कि स्कूल की कुछ जमीन ग्राम समाज और शिवरतन दिवाकर की है। जेसीबी और पोकलैंड से स्कूल को तोड़ा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन पर लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की गई। बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में पर्यावरण दिवस पर होमगार्ड के जवानों ने एक जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली को जिला कमांडेंट प्रीति शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली में सैकड़ों होमगार्ड्स ने भाग लिया है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।